अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको क्लास सिक्स की एक्सरसाइज नंबर 12.1 करवा रही हूँ। एक्सरसाइज नंबर 12.1 चैप्टर 12 जो है वो हमारे पास 3D अशकाल के बारे में। 3D अशकाल क्या होती हैं, जिसमें लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों चीज़ों के बारे में बात की जाती है। ठीक है, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये तीनों ये वाली चीज़ें हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये देखें, घी का डब्बा है, ये बना हुआ घी का डब्बा हम इस्तेमाल करते हैं। फुटबॉल है, ये बर्थडे का कैप है, ये हम इस्तेमाल करते हैं। ये डाइस है, छक्का यानी ये डब्बा है, ये दूध का या पता नहीं किस चीज़ का डब्बा है। ठीक है, ये एक डब्बा है, ये मैच बॉक्स है। तो इस तरह की चीज़ें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, इनको 3D अशकाल कहते हैं, जिसकी ऊँचाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और लंबाई भी होती है। अब ये 3D अशकाल जो हैं, इनके कुछ नाम हैं, उन नामों को हमें शनाख्त करना है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यही है कि हमें इनके अजसाम की शनाख्त करके उनके नाम हमें बताने हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखिए, सबसे पहले ये जो फुटबॉल है इसको हम कुर्रा कहते हैं। 3D अशकाल में इसको जो भी गोल शेप होगी उसको हम कुर्रा कहेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास दूसरी शेप है, इसको हम ये सिलेंडर इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में हम इसे बेलन कहते हैं। तो ये हमारे पास 3D अशकाल में इसका नाम बेलन है। ये देखिए, ये कोन की शक्ल की है, इसको हम कहते हैं मखरूत। ठीक है, ये शक्ल कहलाती है मखरूत। उसके बाद ये नीचे देखिए, हमारे पास ये जो शक्ल है ये बिल्कुल बराबर है, इसके सारे साइड्स बराबर हैं, तो ये मकब कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद वाली जो फिगर है देखिए, इसमें एक लंबा है और एक इसमें चौड़ाई कम है, तो ये मकब नुमा कहलाता है। ठीक है, जिसमें चौड़ाई और लंबाई मुख्तलिफ हो। इसी तरह देखिए, छठी फिगर में भी हमारे पास लंबाई चौड़ाई मुख्तलिफ है, तो ये भी मकब नुमा कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, दूसरा सवाल करने से पहले हमें जो है इनकी सारे सतह और किनारे और रास के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी कितनी सतह होती हैं, कितने किनारे होते हैं। तो अब देखिए, मैं पहले आपको मकब को समझा रही हूँ। ये मकब है क्योंकि इसके चारों साइड्स बराबर हैं, तो हमें मालूम करना है कि इसकी कितनी सतह हैं, कितने किनारे हैं, कितने रास हैं, ये क्या होते हैं। तो इसके लिए आप देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये दूसरी सतह हो जाएगी, ये एक सतह हो गई जिस पे वन लिखा हुआ है, ये दूसरी सतह हो गई, ये तीसरी सतह हो गई। इस तरह से आपको पता है एक छक्के में 4-6 नंबर लिखे हुए होते हैं। तो इसकी मकब की कितनी सतह होती हैं, मकब की 6 सतह होती हैं। ठीक है, हमने सतह मालूम कर ली कि 6 सतह होती हैं। अब हम इसके किनारे मालूम करेंगे कि इसके किनारे कितने होते हैं। देखिए, ये सीधी जो लाइन है ना, इसको हम किनारा कहते हैं। तो ये देखिए, 1, 2, 3, 4 इसके 4 किनारे हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4 किनारे ये हो गए, 8 हो गए। और ये 4 किनारे इसके साइड के होते हैं, तो ये हमारे पास 4 किनारे ये हो गए। तो हमारे पास ये टोटल कितने हो गए, 12 किनारे हो गए। अब आप देखें इसके रास जो होते हैं वो क्या कोने होते हैं, ये कोने। तो अब आप देखें इसमें हमारे पास कितने कोने हैं, 1, 2, 3, 4 और ये नीचे 1, 2, 3, 4। तो ये हमारे पास टोटल कितने कोने हो गए, इसके रास कितने हो गए, इसके 8 रास हो गए। ठीक है, तो इसकी हमारे पास सतह हो गई 6 और किनारे हो गए 12 और इसकी जो रास है वो हमारे पास हो गए 8। अब देखें, हमने ये ले लिया मकबनुमा। मकबनुमा में भी हम देखेंगे कि इसकी सतह कितनी होती हैं। तो देखें, हम इसकी सतह चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दोबारा देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो हमारे पास इसकी सतह कितनी हो गई, 6 सतह हो गए। अब ये हम इसके किनारे देखेंगे। देखें, इसके किनारे 1, 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ पे 4 किनारे हो गए, 1, 2, 3, 4, ये 4 किनारे हो गए, 5, 6, 7, 8 और ये 4 ऊपर के, 9, 10, 11, 12। तो इसके किनारे हमारे पास हो गए 12 किनारे हो गए। अब इसके रास देखिए, सतह हमारे पास 6 हो गई, 5, 6, 7, 8। तो इसके भी रास देखें 8 हो गए। जैसे मकब है बिल्कुल उसी तरह मकब नुमा के भी होंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ये शेप हमारे पास है सिलेंडर यानी बेलन। बेलन में ये देखिए, ऊपर की एक सतह हो गई हमारे पास और एक नीचे की सतह हो गई। तो इसकी कितनी सतह हो गई, इसकी हमारे पास 2 सतह हो गई और इसके किनारे कितने हैं, 1 किनारा ये है
और एक किनारा इसका ये है। तो इस तरह से हमारे पास बेलन के दो किनारे होते हैं। अच्छा, इसका कोई कोना नहीं होता, तो फिर इसका कोई, अब ये देखें हमारे पास ये मखरूत की शक्ल है। मखरूत की मेरे पास कोई शेप नहीं मिली थी, इसलिए मैं आपको इस पे ही समझा रही हूँ कि हमारी मखरूत की शक्ल है, ठीक है। इसके ये जो हमारे पास ये देखें, आप इसको कोन भी कह सकते हैं, ठीक है। मखरूत में ये नीचे वाली जो सतह होती है, इसमें एक ही सतह होती है जो नीचे थोड़ी सी गोल होती है, और इसका एक कोना होता है, कोना यानी रास होता है, कोना जो भी होगा वो रास कहलाएगा। तो इसका देखें एक कोना है, तो इसका रास जो है वो एक हुआ, और इसकी जो सतह है वो भी एक हुई, और इसमें हमारे पास कोई किनारा नहीं होता। किनारा कैसा होता है, किनारा बिल्कुल सीधी लाइन होती है ना, तो देखें उसमें कोई सीधी लाइन नहीं है। तो हमारे पास इसका एक रास और एक सतह हुई, लेकिन इसका कोई किनारा नहीं हुआ, ठीक है। अब हमारे पास देखिए ये एक बॉल है, इसको हम कुर्रा कहते हैं, ठीक है। इसका जो हमारे पास 3D अष्टकाल में नाम है, इसका नाम कुर्रा है। अब आप देखिए इस कुर्रे में इसकी जो है कोई भी सतह नहीं होती, आपको ये नज़र आ रहा है, इसकी कोई भी सतह नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इसकी जो है किनारा कोई भी नहीं है, ना इसका किनारा कोई है और ना ही इसका कोई रास है। तो इसमें हमारे पास क्या हुआ कि आपने देखा, इसका ना कोई किनारा है, ना कोई सतह है और ना ही कोई रास है। अब हम देखें इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, तो अब हमें आसानी हो जाएगी, अब हमें समझ में हर चीज़ आ जाएगी। अब आप देखें आपके पास खाली जगह पुर करें, इसमें आपके पास जो पहली फिगर है वो पहली फिगर है मकब नुमा की, ठीक है। तो मकब नुमा में ये पूछ रहे हैं किनारों की तादाद कितनी होती है, तो आप देखें ये रहा मकब नुमा, और मकब नुमा में मैंने आपको किनारे समझाए थे, तो मकब नुमा में किनारों की तादाद 12 होती है, ठीक है। और इसकी सतह कितनी होती हैं, इनकी सतह भी मैंने आपको समझाई थी, तो इसकी सतह हमारे पास यहाँ पे 6 सतह होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि इसकी 6 सतह होती हैं, और रासों की तादाद यानी इसके जो कॉर्नर्स हैं, कोने हैं, वो कितने होते हैं, तो हम यहाँ पे हमें पता है कि इसके कोने 8 होते हैं, तो हम इधर रासों की तादाद 8 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये दूसरी शक्ल है, ये मखरूत की शक्ल है। इसमें ये पूछ रहे हैं कि नुक्ता ए जाहिर करता है, तो नुक्ता ए देखें रास को जाहिर करता है, क्योंकि इसका कोना बना हुआ है ना, तो आप लिख देंगे नुक्ता ए जाहिर करता है रास को। इन्होंने कहा दायरवी सतहों की तादाद कितनी है, तो आपको पता है कि मखरूत में दायरवी सतहों की तादाद सिर्फ एक होती है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए ये तीसरी फिगर जो है, ये मकब की फिगर है, और मकब में ये पूछ रहे हैं कि ए बी जाहिर करता है, तो ए बी आपको पता है कि सीधी जो लाइन होती है वो क्या होती है, किनारा होता है, तो ए बी जाहिर करता है किनारा, नुक्ता ए जाहिर करता है रास को, क्योंकि कोना बना हुआ है, और सतहों की तादाद किसी भी मकब में कितनी होती है, सतहों की तादाद हमेशा 6 होती है। तो इस तरह से देखें हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी बात समझ में ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए।